वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल सो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी विल अर्न सम क्वेश्चन ऑफ़ जनरल नॉलेज जी के ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट द क्लास आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान सो टेन क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके थे एंड एलेवन क्वेश्चन इज इन विच सीज़न वी वीयर वार्म क्लोथ कौन से सीजन में हम गर्म कपड़े पहनते हैं इन विच सीज़न वी वियर वार्म क्लोथ्स द आंसर इज विंटर इन विंटर वी वियर वार्म क्लोथ्स सर्दियों के दिनों में ही तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कैप्ट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स रखे जाते हैं कौन सी जगह होती है आंसर इज जू चिड़ियाघर चिड़ियाघर में ही एनिमल्स और बर्ड्स रखे जाते हैं वट इज़ द कलर ऑफ़ एन फायर इंजन एक फायर इंजन का कलर क्या होता है आंसर इज रेड रेड कलर का होता है फायर इंजन ओके इंजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेस्टिवल वी प्ले विथ कलर्स ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम कलर्स से खेलते हैं कौन सा फेस्टिवल है गैस करिए दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आंसर इज होली होली में ही तो हम रंगों से खेलते हैं ना अपोजिट ऑफ टॉल इज टॉल का अपोजिट क्या होता है शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट शॉर्ट यानी छोटा टॉल यानी लंबा नेम द गेम विच इज़ प्लेड विथ बैट बॉल एंड विकेट कौन सा गेम ऐसा है जो बैट बॉल और विकेट के जरिए खेला जाता है कौन सा गेम है आंसर इज़ वेरी ईजी यू कैन ईजीली टेल मी आंसर इज क्रिकेट क्रिकेट जो है वो बैट बॉल और विकेट के जरिए खेला जाता है वट इज़ द कलर ऑफ द पोस्ट बॉक्स पोस्ट बॉक्स का कलर क्या होता है जिसमें हम लेटर्स डालते हैं आंसर इज रेड पोस्ट बॉक्स रेड कलर का होता है अपोजिट ऑफ हैप्पी इज हैप्पी का अपोजिट क्या होता है खुश होने का अपोजिट क्या होता है उदास होना है ना तो आंसर इज सैड हैप्पी अपोजिट इज सैड विच इंसेट हैज़ कलरफुल विंग्स ऐसा कौन सा कीड़ा है इंसेक्ट है जिसके विंग्स कलरफुल होते हैं आंसर इज बटरफ्लाई बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई बटरफ्लाई तितली एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके कलरफुल विंग्स होते हैं शेप ऑफ एगेज एग का शेप क्या होता है एग का शेप ओवल होता है, है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट किसका उदय यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो ईस्ट से उगता है एंड वेस्ट से डूबता है इजी आंसर है आंसर इज सन जो सन होता है वो ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट से सेट्स होता सेट होता है कहते हैं ना सनसेट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ द बॉटम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग हमारे नेशनल फ्लैग के बॉटम का कलर क्या है बॉटम यानी जो सबसे निचला पार्ट होता है ग्रीन ग्रीन कलर है ना ऑरेंज वाइट एंड देन ग्रीन बॉटम ग्रीन होता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ कोल कोल यानी कोयला कोयले का कलर क्या होता है ईजी है काला ब्लैक कलर होता है कोयले का ओके विच एनिमल इज कॉल्ड क्लेवर कौन सा जानवर है जिसे क्लेवर हम कहते हैं चालाक कहते हैं है ना वो है लोमड़ी यानी फॉक्स लोमड़ी एक बहुत ही चालाक जानवर होता है वेन डू यू सी स्टार्स आप स्टार्स कब देखते हैं स्टार्स हम कब देखते हैं स्टार्स तो हम नाइट में ही देखते हैं ना एट नाइट आंसर इज एट नाइट विच एनिमल कैन फ्लाई ऐसा कौन सा एनिमल है जो उड़ सकता है विच एनिमल कैन फ्लाई आंसर इज़ बैट चमगाड़ बैट मतलब चमगा दड़ होता है बैट जो होता है ऐसा एनिमल्स होता है एनिमल होता है जो फ्लाई कर सकता है यानी उड़ सकता है विच फ्रूट इज रेड इन साइड कौन सा फ्रूट जो है अंदर से रेड होता है आंसर इज वेरी इजी वाटरमेलन अंदर से रेड होता है बाहर से ग्रीन होता है वट इज द कलर ऑफ ब्लड ब्लड का कलर क्या होता है खून का कलर क्या होता है तो ब्लड का कलर होता है रेड आर ई डी रेड लाल रंग का होता है सबका ब्लड है ना विच बर्ड कैन स्विम ऐसी कौन सी चिड़िया है जो उड़ सकती है कौन सी चिड़िया है आंसर इज डक एक ऐसी चिड़िया है जो तैर सकती है है ना पानी में तैरती है ना डक स्विमिंग करती है सो so, ये कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के थे जनरल नॉलेज के जो आपको रिवाइज करना है याद करना है नोटबुक में नहीं करना है ऐसे बस माइंड में रखना है ओके बच्चों सो लर्न इट एंड हैव अ नाइस डे